दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। क्या है फॉर्म 17 जिसका डेटा अपलोड नहीं कर रहा है चुनाव आयोग, और जिस मामले को लेकर चुनाव आयोग को घेर लिया गया है। इस वक्त 24 तारीख को यानी कि कल की अगर हम बात करें तो इस पर काफी बड़ी बहस होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। और आपको बता दूं कि राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। उन्होंने बताया था कि चुनाव आयोग ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके कहा है कि फॉर्म 17C का डेटा वेबसाइट पर अपलोड करने का कोई भी कानूनी प्रावधान नहीं है, और इस बात को लेकर अब काफी ज्यादा परेशानी बढ़ गई है। और चिंता की बात यह है कि इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट अब लोगों की नजर में आ गया है और इस पर ठीक चुनाव के बीचों बीच एक बड़ी बहस शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव के 5 चरण मतदान के पूरे हो चुके हैं और अभी बस 2 चरण बचे हैं, और उससे ठीक पहले इस पर सुनवाई होने जा रही है। इसके लगातार बीचों बीच अब चुनाव आयोग आरोपों और विवादों के केंद्र में घिर चुका है। अब चुनाव आयोग जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में सिर्फ फॉर्म 17C को लेकर के आ चुका है, आप ये समझिए कि अब कहानी कभी भी पलट सकती है। चुनाव आयोग पर एक आरोप मतदान संबंधी आंकड़ों को देरी से जारी करने को लेकर लगातार लग रहा है। इस पर कई बार हम चर्चा कर चुके हैं जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 1 सप्ताह के अंदर मतदान संबंधी तमाम आंकड़े जो है और जिसको लेकर याचिका लगाई गई है, वो अब वो आंकड़े कैसे और क्यों देरी से दे रहा है चुनाव आयोग, इस पर जवाब मांगा है। आपको ये बता दें कि अब सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है। राजनीतिक दलों को बहुत बड़ी शंका हो रही है कि यह चुनाव जो है वो फेयर नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, यहाँ पर काफी कुछ अंदर गोलमाल चल रहा है और ये सब कुछ चुनाव आयोग कर रहा है। इसी को लेकर इन राजनीतिक पार्टियों के वरिष्ठ वकील भी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की घेराबंदी कर चुके हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वाहिद जी, जो कि लगातार शुरुआत से फॉर्म 17C को लेकर के बात कर रहे थे। फॉर्म 17C का डेटा वेबसाइट पर अपलोड करने का कोई प्रावधान नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के CJI DY चंद्रचूड़ कोर्ट की तमाम जानकारी, तमाम हियरिंग अब लाइव करते हैं, डिजिटाइज कर दिया है सब कुछ, तो फिर चुनाव आयोग इस तरह की ट्रांसपेरेंसी से क्यों भाग रहा है, सवाल ये है। 4TV के मैनेजिंग एडिटर वाहिद नसीम जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हीं से समझते हैं कि किस तरह से इस फॉर्म 17 वाली बात को अब क्या चुनाव आयोग के पास वाहिद जी कोई रास्ता बचा है, क्योंकि अगर वो ये जानकारी नहीं देता है तो बहुत बड़ा सवाल उन पर ये उठ जाएगा कि उनकी मतलब दाल में काला है, और आखिर ये तो सवाल उठ ही चुका है, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं दाल पूरी काली ना निकल आए। क्या लग रहा है आपको सर? देखिए, ये अगर मामला सिर्फ दाल में कुछ काला और काली दाल तक सीमित होता तो कोई बात नहीं थी, ये काले जादू तक आ पहुंचा है ये मामला, अब काले जादू तक आ पहुंचा है। हाँ, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि जैसे अमित शाह साहब कह रहे हैं कि वो मतलब कालो जादू कर देंगे और 400 के पार सीटें ले आएंगे, काला जादू ही तो हो सकता है। अगर मान लिया मोदी जी कहते हैं हम अब 400 के पार सीटें ले आएंगे तो ये काला जादू हो सकता है। काली दाल और काली दाल में काले की तो विनीता जी आप बात छोड़ दीजिए, काला जादू कैसे हो सकता है, आज हम इस पे बात करते हैं। क्या ये देखिए एक बहुत बड़ी स्पष्ट बातें हैं विनीता जी, पहली बात तो हमें ये समझना होगा कि और ये कोर्ट भी समझता है, चुनाव आयोग भी समझता है कि 17C फॉर्म का मतलब ही पब्लिक को जानकारी मुहैया कराना, RTI का अधिकार, ये सब कुछ जो है फॉर्म 17C में ही इंक्लूड है। उसमें डाटा, टोटल वोट ऑफ नंबर, टोटल परसेंटेज ऑफ नंबर, ये सारी चीजें, पर्पस, जेनर, जेंडर, सारी चीजें उसमें क्लियर होती है, ये सभी लोग बता चुके हैं। हालांकि मैं तो पहले दिन से इसकी शुरुआत की थी और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से रिक्वेस्ट की थी कि अगर इस चुनाव को वाकई आप जीतना चाहते हैं और लड़ना चाहते हैं तो आपको इस पर फोकस करना पड़ेगा, 17C कलेक्ट करना पड़ेगा, अपने एजेंट्स को जो है आप ट्रेनिंग देंगे और वो लेके आएगा, वो आप उसका अधिकार है, क्योंकि प्रावधान कानूनी ये है कि फॉर्म 17C हम कई बार बता चुके हैं, आखिरी बार इसमें बता रहा हूं कि उस पर जो डाटा लिखा होता है उस पर एजेंट्स के साइन होते हैं, एक वो चुनाव आयोग को भेजा जाता है, दूसरा वो
उसकी नहीं कोई कॉपी नहीं एक भाई जी, आप कई बार बता चुके हैं लेकिन मैं चाहूंगी कि आप इत्मीनान से एक बार फिर बता दीजिए, ये देश के मतलब लोकतंत्र का सवाल है और इसी प्रक्रिया पर पूरी चर्चा कल सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है और चुनाव आयोग इसी पर उसकी घेरेबंदी भी होने वाली है जी 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 मैं बिल्कुल काले जादू पे भी आता हूँ, इससे पहले ये समझा दूं फिर काले जादू पर आता हूँ। तो देखिए 17C को जो है आप सबके पास एविडेंस के तौर पर हो जाता है, अब बचता है एक चीज, वो होते हैं पोस्टल वोट। पोस्टल वोट जो है वो आते हैं, वो उनके पास इकट्ठा हो जाते हैं, वो फॉर्म 17C पर नहीं लिखे जाते हैं। हालांकि ये है कि जब आपको शाम को वो भी मिल जाए तो वो कितने वोट आपको मिले हैं, उनका कहां कहां से मिला, चुनाव आयोग को उसी दिन जनता के को जानकारी के लिए उन्हें अपलोड करना चाहिए कि किस जगह पर पोस्टल वोट की जो नंबर ऑफ वोट है वो कितना है, ये आप बताएं। तो वो किसका कितना निकलेगा ये कोई नहीं पूछ रहा है, पर नंबर ऑफ वोट कितना है ये आपको बताना चाहिए। चुनाव आयुक्त के सामने कौन सी मजबूरी है, कौन सी उन्होंने किस मतलब मजार पे, पीर पे या किसी देवी देवता पर कौन सी बोली लगा रखी है कि मैं भला दिन बलि दूंगा और उसके बाद ही बताऊंगा कि डाटा जो है इतना कितना था। ये बलि देने का और डाटा छुपाने का मैं आंकड़ा बिल्कुल देश संविधान की क्या जनता, कहता है यहाँ पर भाई जी, क्योंकि अगर संविधान संविधान देश के इतने आरटी अहम आंकड़े कोई संस्था अपने तक लिमिटेड करती है तो कल सुप्रीम कोर्ट भी इस पर सवाल करेगा कि आप जारी क्यों नहीं कर सकते। मैं ये दलील जो है वकीलों तक भी पहुंचाना चाहूंगा, सिब्बल साहब तक भी और तमाम उन लोगों तक जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझें। बहुत सीधी सी बात यह है कि जब आप इस फॉर्म 17C के आपको अधिकार है और ये आपको देना चाहिए, यानी देश की जनता को बताना चाहिए। चुनाव आयोग ये कहते हैं कि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो ये कहते हैं कि भाई साहब हम जो है बाध्य नहीं है कि पूरा डाटा हम आज नंबर ऑफ वोट जो है वो अपलोड करें, ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। तो पहला सवाल ये उठता है कि चुनाव आयोग की मंशा पर शक यहाँ होता है कि जो प्रावधान आपके पास, तो ये भी कहीं लिखित प्रावधान नहीं है कि आप इस देश के चुनाव को 3 महीने की प्रक्रिया में खत्म करोगे, 2 महीने में खत्म करोगे, 7 चरणों में कराओगे और हर चरण में से स्टेट में जो है अलग अलग जगह पर आप कराओगे, ये कौन सा लिखित आपके पास कानून है, ये इस देश को भी दिखाएं और कोर्ट को भी आपको बताना चाहिए और वकीलों को भी पूछना चाहिए जब ये दलील दे कि हमारे पास लिखित रूप में ऐसा कोई कानून नहीं है कि हर चरण के वोट हम अपलोड करें। तो आपके पास मिस्टर चुनाव आयोग ये भी अधिकार नहीं है कि आप जो है लिखित रूप में अधिकार नहीं है कि आप 7 में करें कि 5 में करें कि 8 में करें, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप किसी के ये प्लान कर रहे हैं, ये मैं इल्जाम लगाऊंगा, क्यों नहीं लगाऊंगा, मैं इस देश का नागरिक हूं, इस देश का वोटर हूं और इस देश का पत्रकार हूं, क्यों इल्जाम नहीं लगाऊंगा कि आपके मन में जो है चुनाव वोट छुपाने का अधिकार आपको कानून में दिखाई देता है। वोट कितने चरणों में करना है, कहां कहां करना है, कहां कहां आपको फ्रीडम चाहिए, कहां कहां मैनिपुलेशन का डाटा आपको इकट्ठा करना है, उस पर आपका कानूनी ये भी लागू होती है सारी चीजें। मगर ये सवाल आपसे कोई कर नहीं रहा, इस देश का शुक्र मनाना चाहिए, इस देश की जनता को आपका शुक्र अदा करना चाहिए, आपको शुक्र अदा करना चाहिए, बड़े शांत बड़े अच्छे लोग हैं और डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, जबकि आप डेमोक्रेसी को चुनौती दे रहे हैं, उनके अधिकार को चुनौती दे रहे हैं। ये सवाल है कि आपको किसने कहां लिखित रूप में दिया गया आपका चरण। सवाल तो ये भी है सर कि ये सारी बात जो है ये इतने वक्त से विपक्ष आराम से इस पूरी प्रक्रिया, कोई नई प्रक्रिया तो है नहीं, पुरानी है ये, और यही सवाल और यही प्रक्रिया कहाँ पर लैप्स हो सकते हैं, कहाँ इसमें खेल हो सकता है, ये आखिरी वक्त पर विपक्ष क्यों जागा इस पर। देखिए अच्छा मैं खासा आप, वक्त वो कर मैं, सकता मैं, था मैं, मैं देश की जनता को और आपको जवाब देना चाहता हूँ और उन पत्रकारों को भी जवाब देना चाहता हूँ, माफ करना गुस्ताखी माफ, कि कम से कम जब भी आप राष्ट्रीय पॉलिटिक्स को देखें तो आप अंतरराष्ट्रीय पॉलिटिक्स को इस देश से कनेक्ट करें, क्योंकि देश सिर्फ देश नहीं है और ये देश कोई नॉर्थ कोरिया नहीं है कि एक सीमा के अंदर कैद है, ये हम ग्लोबल साउथ में रहते हैं, ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं और पूरी दुनिया में अपना व्यापार अपना प्रभुत्व चाहते हैं और हम अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारा डायस्पोरा जो है पूरे विश्व में फैला हुआ है। आप कैसे जो है सिर्फ इंडिया को लेकर, इंडिया की बातों को लेकर जो है सारे कैलकुलेशन कर देते हैं, क्यों अंतर्राष्ट्रीय हलचल को, अंतर्राष्ट्रीय कॉन्स्परेंसी को, अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी को आप नहीं जोड़ पाते हैं, क्यों नहीं जोड़ पाते हैं? आपको इस देश की जनता पे आप पे भरोसा करती है एज ए पत्रकार, एज ए एनालिस्ट, एज ए जर्नलिस्ट, आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैं क्यों कनेक्ट कर रहा हूँ विनीता जी वो सुन लीजिएगा, प्रधानमंत्री जी किसी प्राइवेट चैनल को बयान देते हुए उनके अपने बैठे हुए वो चंद चंटू पत्रकारों को जो है बिठाते हैं और वो चंटू पंटू जो है बैठ के सवाल करते हैं और मोदी जी जवाब देते हैं, मुझे पुतिन का फोन आया, मुझे फला का फोन आया,
अगर आपके प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, आपको शक क्यों हो रहा है? नहीं होता सर, पूरी बात क्या कह रहा हूँ सर, हम अपने पॉइंट पे आते हैं। नहीं नहीं, इसी पे आ रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, बात आज उठी है, इस पर विपक्ष पहले भी आ सकता था। सुन लीजिए ना, मैं ये बात तब तक पूरी नहीं होगी जब तक मैं ये नहीं कर दूंगा। प्लीज मुझे एक मिनट का मौका दीजिए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं लोकल चुनाव में, जब वो सवाल पूछते हैं कि क्या आप जीत के आ रहे हैं, तो वो कहते हैं मुझे पुतिन के फोन आ रहे हैं, मुझे मैक्रोन के फोन आ रहे हैं, मतलब सीधा होता है कि आप इस देश में इंटरनेशनली, पुतिन को पता है क्या कि आप चुनाव जीत रहे हैं, मैक्रोन को पता है कि आप चुनाव जीत रहे हैं, बाइडेन को पता है कि आप चुनाव जीत रहे हैं, तो ये देश की जनता को इंटरनेशनली कनेक्ट क्यों नहीं? मैं अब आता हूँ आपके 17 सीट। मैं सवाल ये, यहाँ सवाल ये कर रहा हूँ कि पूरा गेम कैसे प्लान हो रहा है, इसे पहले भी देखना चाहिए, वो हम समझ रहे हैं, मगर पहले इंटरनल हम देख लेते हैं। आपको संविधान पूरे देश में एक जो एजेंडा विपक्ष ने उठाया वो बड़े जोर शोर से गया, और जमीन पर जब हम देख रहे हैं तो तमाम वो लोग जो संविधान को अपना धार्मिक ग्रंथ मानते हैं, अपनी जीवन रेखा मानते हैं, पिछले 19 के चुनाव में, 13 के, 14 के चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी को 90% तक वोट करते रहे थे। उनमें से एक वर्ग है जो 16% है, वो 16% पूरा साइलेंट है, और उनको इंटरनल इन्फॉर्मेशन, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि उनको कहा गया है कि जहां हमारा कैंडिडेट जीते तो आप उसको वोट करें, नहीं तो बीजेपी को हराने के लिए वोट करें, यानी 16% आपका कम हो गया। देखिए विनीता जी, बात के अंदर की बात है जिस पर हम अलग से भी चर्चा करेंगे। मैं एक बार वापस इसी मुद्दे पर लाना चाह रही हूँ कि मैं वहीं आ रहा हूँ। एक बार लोगों को समझा दीजिए सर कि जब मतदान हो रहा है उसका नंबर आता है तो कितने वोट डाले गए उसका एग्जैक्ट नंबर देने में कहां परेशानी, में उस टेक्निकल वो बता यहां परेशानी है। चलिए वो मैं फिर अगले प्रोग्राम में कर लूंगा आपके साथ। हाँ बात तो 16% वोट इन्हें पता है कि कम हो चुका है। अब परेशानी ये है कि जब आपके पास डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में या तहसील हेडक्वार्टर में जब वोटों की गिनती शुरू होती है, और जब डीएम को या दूसरे ऑप्शनल अधिकारी को जब ये डिक्लेयर करना होता है कि कौन जीता कौन हारा, तो उसके बाद ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं, पिछले में भी 25 से ज्यादा थे, तो जहां 1,000, 2,000, 500, 3,000 तक की जो है हार जीत आती है। अब 3,000 की हार जीत वो आप कब तय करेंगे? जब आपके नंबर ऑफ वोट खुल जाएंगे। उसके बाद आप अगर ऊपर नीचे कर सकते हैं तो वो है, आपको नंबर को ऊपर नीचे करना पड़ेगा, यानी नंबर को ऊपर नीचे आप बैलेट वाले वोट से कर सकते हैं। जो फॉर्म 17 सी पर लिखा हुआ है उसके अलावा जो आपके पास पोस्टल नंबर बचते हैं, तो पोस्टल नंबर अगर लोगों के पास होंगे भी इकट्ठे तो इतने होंगे 17 सी और पोस्टल नंबर्स रह जाएंगे। अब होगा क्या, डीएम ने देखा कि भाई ये जो है, मैं अगर अगर सपोज मेरा ख्वाब ही समझ रहे कि वो चाहता है कि मैं जिताना चाहता हूँ इस कैंडिडेट को, तो अब परसेंटेज जो वोट का है वो जो आप चुनाव दे रहा है वो 1,00,000 का भी परसेंटेज 66 हो सकता है, 1,00,00,000 का भी 66 हो सकता है, तो परसेंटेज में आपका टोटल वोट तो कहीं काउंट होता नहीं है। जब वोटिंग मशीन खुलती है, ईवीएम खुलती है, जब काउंटिंग हो चुकी होती है, तब किसी को हराने या जिताने के लिए 5,000 या 10,000 वोटों की जरूरत पड़ती है। तब आप कहते हैं कि नहीं, ये 7,00,000 वोट नहीं थे, ये 7,50,000 वोट थे। चुनाव आयुक्त आपके दिल पर और मंशा पर मैं ये सवाल उठा रहा हूँ कि आप इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि आप इस देश में बेईमाना करवाना चाहते हैं, क्योंकि आप वोट को 2019 में ऐसी कितनी सीटें रही जो कि महज 10,000 से 20,000 वोटों के अंतर से। 20 सीटें तो सिर्फ यूपी में थी, 20 सीटें तो ऐसी सिर्फ यूपी में थी। और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कितनी ऐसी सीटें रही हैं सर जो कि महज कुछ हजार वोटों से जो है बीजेपी जीती थी, और उसमें समाजवादी पार्टी का जो हिस्टोरिकल वोट परसेंटेज बढ़ा उसी से पता लग जाता है कि किस तरह की टक्कर पर दोनों पार्टियां आमने सामने थी। अभी भी जो अभी भी जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है ऐसा? वो इसलिए हो रहा है कि जो मैंने वो 16% बता रहा था ना, मैं 16% के अलावा आदिवासी है, बहुत सारे लोग हैं जो संविधान को अपना ग्रंथ मानते हैं, उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं किया है, वो जानते हैं कि उनकी जिंदगी, उनकी लाइफ, उनका भविष्य खतरे में है, उन्होंने वोट नहीं दिया, साइलेंट वो कह रहे हैं हमने बीजेपी को दिया मगर नहीं दिया। मगर ये अब ये पोस्टल जो छोटी मोटी मैनिपुलेशन है उससे बीजेपी चुनाव जीतने नहीं जा रही है।
आप, मैं यकीन मानिएगा, जब वोट खुलने शुरू होंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि 150 के नीचे आपको बीजेपी नजर आए। ये जो हवा हवाई पत्रकारी है, जो कुछ हो रहा है इंटरनल, जो अंडरकरंट और लोगों ने छुपाकर जो वोट किया है, आप देखते हैं महाराष्ट्र जैसी जगह पे एक दूसरे के जो है कट्टर दुश्मन 40 साल से जो है शिवसेना और मुस्लिम आपस में किस तरह से एक दूसरे का झंडा उठा के मसाल पे वोट किए जा रहे हैं। अरे देश बदल चुका है, देश में हिंदू मुस्लिम जो है ये नफरतें खत्म हो चुकी है, दलितों को अपना खतरा है, युवाओं को अपनी नौकरी का खतरा है, देश बदल रहा है। मगर ये देश चंद्रचूड़ साहब की तरफ आशा की किरण की तरह देख रहा है, ये देश चुनाव आयोग की तरफ देख रहा है कि माय बाप कुछ रहम करोगे इस देश पे। और आखिर में चुनाव के 5 चरण के बाद हम उस जगह पहुंचे हैं जो कि पिछले कई चुनाव से लगातार एक मोडस ऑपरेंडी के तौर पर बीजेपी के खाते में रही है, जिसका हिस्सा चुनाव आयोग रहा है, ऐसे आरोप लगातार लगाए गए हैं। ऐसी स्थिति में विपक्ष अब जब इस मामले को लेकर बिल्कुल कटघरे में लागे खड़ा कर रहा है चुनाव आयोग को, और ये तमाम मतगणना के समय उठने वाली परेशानियां जो अभी से उठाई जा रही हैं और उस वक्त क्लियर होने हो जाएंगी ऑलमोस्ट, बैलेट पेपर की बात करें या फिर यहाँ पर वोट प्रतिशत के साथ जो बड़ा खिलवाड़ होगा उसकी बात करें, चुनाव आयोग के दिए गए डाटा की ट्रांसपेरेंसी को लेकर बात करें, आधा छुपाया आधा दिखाया वाली स्थिति कर दी इन्होंने, पूरा ना सच सामने है ना पूरा झूठ खोल करके आ पा रहा है, इस तरह की स्थिति है। ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है This time is quite enough to expose the truth in court tomorrow, sir? मैं विनीता जी एक बात आपको कह दूं कि जो स्थिति इस वक्त है, यानी एक तरह से बिल्कुल लोगों की या डेमोक्रेसी, ये समझ लीजिएगा कि डेमोक्रेसी की गर्दन पे एक छुरा है, वो कल अगले 24 घंटों में कट भी सकती है गर्दन और वो बच भी सकती है, तो ये तो अब कहना बड़ा मुश्किल है इस वक्त, ये तो फैसले के बाद ही पता चलेगा। मगर मैं एक चीज वो तमाम आपको भी और ऑडियंस को भी वाजे करना चाहता हूँ और तथा कथित पत्रकारों को भी, देखिए जब चुनाव होते हैं तो जो अपर लीडरशिप होती है, जो हायर लीडरशिप होती है, इंटरनेशनल इंटरफेयर्स होता है, उन्हें हार या जीत के लिए या एक्टिविटी के लिए निर्देशित किया जाता है। ये बात आपको समझ में तब आएगी जब आप सद्दाम की स्टोरी पढ़ोगे, जब आप कदाफी की स्टोरी पढ़ोगे, जब आपने अभी जो है ईरान के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं उनका हशर देखा है। उसके अलावा दुनिया में बहुत कुछ होता है, ईदी अमीन से लेके बहुत सारी कहानी है, जब तक आप इंटरनेशनल सिनेरियो को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि कांग्रेस जैसी सुदृढ़ और कानूनी जानकार पार्टी भी अगर वो 17 सी पर अड़ी नहीं और पहले दिन से नहीं आती है तो क्यों नहीं आती। हम पॉलिटिकल पार्टियों की मजबूरी समझ सकते हैं, या ये एक आखिरी पैगाम है देश की जनता को, मैं आवाहन करता हूं कि हम पॉलिटिकल लोगों की जो किसी की नोक पर हो सकते हैं उनकी मजबूरी समझ सकते हैं, मगर देश की तमाम जनता किसी की नोक पर नहीं हो सकती। देश की जनता को अवेयर होना होगा, देश की जनता को पढ़ना लिखना होगा। हमें अपने पत्रकार भाइयों को भी रिक्वेस्ट करनी होगी, भाई साहब आप भी कुछ पढ़ लिया करो और देश के लिए जिम्मेदारी पूरी करें। अगर हाँ बिल्कुल, ये तमाम सवाल वक्त से उठ जाते हैं, अगर जो बात की अपील आप कर रहे हैं ये वक्त से लोगों ने ध्यान दी होती। बड़ी बात यह कि पॉलिटिकल पार्टी कोई भी आए कोई भी जाए, लेकिन हाँ लोकतंत्र का जो एक उसूल है पारदर्शिता, ये सबसे बड़ा है। अगर इसमें कहीं पर खामी दिखाई देती है तो यहाँ पर आपका लोकतंत्र कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट में इसी पर कल सुनवाई होगी, जिस पर तमाम तरह की चर्चा होगी और हम वाई जी से भी इस पर कल चर्चा करेंगे। क्लोजिंग लाइन अमित शाह साहब और मोदी जी, काला जादू शासन प्रशासन के उस अमले के जरिए करना चाहते हैं जो पोस्टल वोट में होता है, जहां 1,000-2,000 वोट होते हैं जिसके जरिए वो 400 ला सकते हैं, यही काला जादू है। बैलेट पेपर का काला जादू आपके साथ पोस्टल वाला जो है वो अलग से हम इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ क्लोजिंग नहीं हो सकती, ये बड़ा मुद्दा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।